नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों को जीएसटी मुआवजे की लंबित राशि का पूरा भुगतान आज से कर दिया जाएगा। सरकार जीएसटी मुआवजे के 16,982 करोड़ रुपए का भुगतान अपने कोष से करेगी। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री ने परिषद की मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। 49वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने कहा, हालांकि यह रकम आज की तारीख में कॉम्पनसेशन फंड में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने फैसला किया है कि अपने संसाधनों से हम ये राशि जारी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई फैसले किए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि राब और पेंसिल शार्पनर पर जीएसटी दरों में कटौती की गई। उन्होंने कहा कि राब का जीएसटी रेट कम किया जा रहा है। अगर खुला राब लिया जाता है तो उसमें रेट 0% जीएसटी लगेगा और अगर यही प्री पैकेट और लेबल्ड होगा तो उसमें 5% जीएसटी लगेगा। पेंसिल शार्पनर में जीएसटी को कम करके 18% से 12% किया गया है। टिकाऊ कंटेनरों पर लगे टैग ट्रैकिंग डिवाइस व डेटा लॉगर्स पर जीएसटी में कटौती का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा, इसमें कुछ शर्तों के अधीन जीएसटी 18% से घटाकर 0% किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 22 फरवरी को मेयर का चुनाव कराने के अनुरोध को मान लिया है। इसके बाद उम्मीद है कि दिल्ली को उसका नया मेयर मिल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शनिवार को उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मेयर चुनाव के लिए 22 तारीख का प्रस्ताव दिया था, जिसे LG विनय कुमार सक्सेना ने मान लिया है। 2 महीने से टल रहे मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव कराने का रास्ता साफ हुआ है। चुनाव की तारीख की घोषणा की जानी थी, जो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना करने वाले थे। घोषणा से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर चुनाव 22 फरवरी को कराने का प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि मैंने LG साहब को 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति पर राजनीति चल रही है। तमाम एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में उन्हें एक बार फिर से CBI ने समन जारी किया है। उनको यह समन दिल्ली की शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में जारी किया गया है। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें CBI ने रविवार को अपने मुख्यालय बुलाया है। सिसोदिया ने लिखा कि अधिकारियों ने मेरे घर पर छापा मारा था, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली थी, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। मैंने दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की है, वो मुझे रोकना चाहते हैं। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा। देश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर हम सब एकजुट हो जाते हैं तो BJP को 100 से नीचे समेट देंगे। नीतीश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। पटना में आयोजित CPI ML के राष्ट्रीय कन्वेंशन में CM नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से मंच से बोलते हुए कहा, आपके जरिए कांग्रेस नेतृत्व से अपील है कि सब एकजुट हुए तो BJP 100 सीट के नीचे निपट जाएगी। बिहार में विपक्षी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं, यही देश में भी होना चाहिए। नीतीश ने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप विपक्षी दलों को मिलने के लिए बुलाइए। इस दौरान नीतीश ने प्रधानमंत्री पद को लेकर कहा कि नेतृत्व को लेकर मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, हम तो केवल बदलाव चाहते हैं, जो सब तय करें वही होगा। नीतीश ने कहा कि अब कांग्रेस को आगे आकर फैसला करना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 11वें जनरल कन्वेंशन में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर छापे मारे जा रहे हैं। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक तेजस्वी ने कहा, आज देश का माहौल और परिस्थिति ऐसी है कि भाजपा के खिलाफ बोलने पर आप पर छापे मारे जाएंगे, चरित्र हनन किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा या जेल भेजा जाएगा, और अगर आप भाजपा के साथ रहोगे तो आप हरिश्चंद्र कहलाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पर आप पर कितना भी दाग लगा होगा वॉशिंग मशीन के अंदर साफ कर दिया जाएगा। RJD नेता तेजस्वी ने कहा कि आप सब लोग देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। पटना में माले के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को ड्राइविंग सीट पर आने दे, जहां BJP से सीधा कांग्रेस का मुकाबला है वहां कांग्रेस टक्कर ले, कांग्रेस को अब देर नहीं करनी चाहिए। बता दें, हाल ही में तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। मुलाकात की तस्वीर ट्वीट करते हुए तेजस्वी ने लिखा था, सबको देश को मिलकर बचाना है,
तेजस्वी और नीतीश के बयान के बाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा, जो आप चाहते हैं वही कांग्रेस भी चाहती है। कभी कभी प्यार में भी एक समस्या आ जाती है, पहले आई लव यू कौन कहेगा। खुर्शीद ने कहा कि मैं मानता हूं कि विपक्षी एकजुटता जल्द होनी चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान एकनाथ शिंदे गुट को देने के बाद महाराष्ट्र की सियासत अब और गर्मा गई है। चुनाव आयोग पर उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शनिवार को ठाकरे ने अपने निवास स्थान पर पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ साथ प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें उनको संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, चुनाव आयोग ने हमारी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह चोरों को दे दिया है। मेरा चोरों से आह्वान है, अगर आप में हिम्मत है तो चुनाव मैदान में उतरकर दिखाइए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, चुनाव आयोग ने कल जो फैसला दिया है वो गुलामी भरा फैसला है। ठाकरे ने कहा कि मैं गुलामी शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी दो दिन पहले ही एक न्यायाधीश को राज्यपाल बनाया गया है। चुनाव आयोग को भी कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। मैं चुनाव आयोग को बता देना चाहता हूं कि शिवसेना किसकी है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। शिवसेना का नाम ठाकरे नाम के बगैर संभव भी नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा, चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम हमसे छीनने का काम प्रधानमंत्री और उनके गुलाम चुनाव आयोग ने किया है, अब हमारी परीक्षा का समय आ गया है। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव की तैयारी करिए और चुनाव में इन चोरों को आपको हराकर ही दम लेना होगा। उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण के आखिर में कहा, इतनी भीड़ को देखते हुए मैं आप सभी से सड़क पर मिलने आया हूं और आपसे कहता हूं कि मैं शुरू से आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं। आपसे अनुरोध करता हूं, इन चोरों को असली जगह आपको जरूर दिखानी होगी। जब ठाकरे ये बोल रहे थे तो उसी दौरान भीड़ में से आवाज आई, क्या साहब इन लोगों के हाथ पैर तोड़ने हैं? तो ठाकरे ने कहा कि आपको किसी के हाथ पैर तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठाकरे ने कहा, अगर इन चोरों में हिम्मत है तो शिवसेना का पवित्र चुनाव चिन्ह धनुष बाण लेकर चुनाव मैदान में उतरें, इन्हें जनता इनकी औकात दिखा देगी। रावण ने भी धनुष बाण तोड़ने का प्रयास किया था और आखिरकार उसका क्या हुआ ये हम सभी को मालूम है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चोर और चोरों का मालिक हमारे पवित्र धनुष बाण को छीनने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरी ताकत आप सभी हैं और आप सभी उन सभी को जमीन में दफनाने का काम करेंगे। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले पर कहा कि इसका कोई बड़ा प्रभाव उद्धव की पार्टी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लोग उद्धव की पार्टी के नए चिन्ह को स्वीकार करेंगे। एनसीपी प्रमुख ने ठाकरे से चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करने और नया चुनाव चिन्ह लेने को कहा है। पवार ने कहा, ये चुनाव आयोग का फैसला है, एक बार फैसला हो जाने के बाद कोई चर्चा नहीं हो सकती, इसे स्वीकार करें और नया चुनाव चिन्ह लें। इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है क्योंकि लोग नया चुनाव चिन्ह स्वीकार कर लेंगे। ये अगले 15 से 30 दिनों तक चर्चा में रहेगा, बस इतना ही, इसके बाद सब भूल जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के अपने सिंबल दो बैलों की जोड़ी के हाथ में बदलने की याद दिलाई। पवार ने कहा कि मुझे याद है कि इंदिरा गांधी को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पास दो बैलों की जोड़ी का चुनाव चिन्ह था, बाद में उन्होंने इसे खो दिया और हाथ को एक नया प्रतीक के रूप में अपनाया। लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया, इसी तरह लोग उद्धव ठाकरे गुट के नए प्रतीक को भी स्वीकार करेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बताया है और कहा कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। चुनाव आयोग के फैसले को उद्धव ठाकरे ने जहां लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है, तो एकनाथ शिंदे ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बाला साहेब आनंद दिघे की विचारधारा की जीत बताया। शिंदे ने इसे पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों की जीत कहा और कहा ये लोकतंत्र की जीत है। फैसले से नाराज ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब औपचारिक रूप से भारत में तानाशाही की शुरुआत और लोकतंत्र के अंत की घोषणा कर देनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान का नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से भी हटा दिया गया है। अब्दुल्ला आजम खान को बुधवार को यूपी विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि एक अदालत ने उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की कैद की सजा सुनाई थी। एक चुनाव अधिकारी ने अब्दुल्ला का नाम मतदाता सूची से हटाने की पुष्टि की है। पीटीआई के मुताबिक चुनाव अधिकारी ने बयान में कहा कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ने रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम खान का नाम हटाने की मांग के बाद ये फैसला किया है। अमेरिका के दिग्गज कारोबारी जॉर्ज सोरोस के भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयानों की भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर आलोचना की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सोरोस मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक नहीं है।
कुछ समय पहले ही उन्होंने हम पर आरोप लगाया था कि हम करोड़ों मुस्लिमों की नागरिकता छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूं कि मिस्टर सोरोस एक बुजुर्ग, अमीर और राय रखने वाले व्यक्ति हैं, जो कि अभी भी न्यूयॉर्क में बैठे हैं और सोचते हैं कि उनके विचारों से फैसला होना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी। ऐसे लोग असल में नैरेटिव गढ़ने में पैसा खर्च करते हैं। जयशंकर ने कहा कि उन जैसे लोग अपनी पसंद के लोगों के जीतने पर चुनाव को अच्छा बताते हैं और दूसरा नतीजा आने पर कहेंगे ये खामियों वाला लोकतंत्र है, और मज़े की बात यह है ये सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा करके किया जाता है। बता दें, अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में मची उथल पुथल से शेयर बाजार में बिकवाली आई है और इससे निवेश के अवसर के रूप में भारत में विश्वास हिला है। जॉर्ज सोरोस के अनुसार गौतम अडानी मामले में मोदी फिलहाल खामोश हैं, लेकिन विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का उन्हें जवाब देना होगा। इससे सरकार पर उनकी पकड़ कमजोर होगी और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पुनरुत्थान होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि अब राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब किसी भी राज्य की इस तरह की मांग पर विचार नहीं करेगी। केंद्र के इस फैसले से बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों को बड़ा झटका लगा है, जो काफी समय से इस दर्जे की मांग कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री से ये पूछा गया कि वो ओडिशा की ओर से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर बात आगे बढ़ाएंगी, तो उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने साफ कहा है कि विशेष दर्जा किसी राज्य को नहीं दिया जाएगा। बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पिछले काफी समय से विशेष दर्जे की मांग करते आए हैं। नामीबिया के बाद अब भारत में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता लाए गए हैं। भारतीय वायुसेना का एक विमान 12 चीतों को लेकर दक्षिण अफ्रीका से शनिवार सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश पहुंचा। चीतों को आज सुबह विमान से ग्वालियर ले जाया गया, जहां से उन्हें बाद में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज ने 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ दिया। उनके साथ केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह भी मौजूद थे। इन चीतों को क्वारंटीन बाड़ों में 1 महीना रखा जाएगा। नामीबिया से आए चीतों को भी 1.5-2 महीने क्वारंटीन बाड़ों में रखा गया था। दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों को रिलीज करने के बाद अब कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इससे पहले नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 61 रन बनाए हैं और भारत पर 62 रनों की बढ़त ले ली है। ट्रेविस हेड 39 और मानस लाबुशेन 16 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे, तो जवाब में भारत की टीम भी 262 रन ही बना सकी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।